देखिए, नाम का बहुत बड़ा महत्व होता है। कहते हैं नाम अच्छा होता है तो बच्चा नाम भी करता है, इसलिए नाम का बहुत महत्व है। और भारतीय संस्कृति में और ज्योतिष शास्त्र में नामकरण के लिए नामकरण का एक पूरा प्रावधान है। और कैसे नामकरण किया जाए इसका प्रावधान दिया गया है। तो अक्सर नहीं, जो जैनून ज्योतिष परामर्श, ये मैं कहूँगा कि नक्षत्रों के हिसाब से, क्योंकि नक्षत्र जो होते हैं, जिस नक्षत्र में आपकी पैदाइश होती है, जब बच्चा पैदा होता है, जब हम आप पैदा होते हैं, तो हम लोग किसी एक पार्टिकुलर नक्षत्र में होते हैं और उसी नक्षत्र का चरित्र लेके पैदा होते हैं। तो चरित्र के हिसाब से, तो नक्षत्र के हिसाब से अक्षर का ज्ञात करें। नक्षत्र कैसे ज्ञात होगा, जिस समय आपका जन्म हुआ है उस समय का पंचांग अगर आप देखेंगे। अब तो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी आ गई, अब तो कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर आ गया। आप सॉफ्टवेयर पर अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालेंगे, तो उसमें नक्षत्र के ऑप्शन में जाके देखेंगे तो 27 नक्षत्र होते हैं हमारे यहाँ। ज्येष्ठा, मूला, अश्विनी, मघा, इस तरह से 27 नक्षत्र होते हैं। तो वो जो है ना, वो 27 नक्षत्र में जाके आप देखेंगे कि उनका अक्षर कौन सा है, उस अक्षर से नामकरण करें। और चंद्रमा जिस नक्षत्र में है और जिस राशि में है, अगर उस दोनों का मिला के अक्षर आपने रख दिया है तो सबसे अति उत्तम आपने काम कर दिया है। ठीक है, अति उत्तम आपने ये कर दिया है। और हाँ, संख्याओं का जो लेटर होता है ना, हिंदी के लेटर का, मैं इंग्लिश के लेटर की बात नहीं कर रहा हूँ। इंग्लिश का लेटर निम्न अंक ज्योतिष से देखा जाता है, लेकिन हिंदी के जो लेटर होते हैं उसका ध्यान देना चाहिए। विषम संख्या में अगर नाम हो तो वो नाम ज़्यादा ही अच्छा होता है, क्योंकि विषम संख्या जो होती है वो कटती नहीं है, सम संख्या जो होती है वो कट जाती है। इसी तरह विषम संख्या में अगर नाम का अक्षर हो तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। और नक्षत्रों के हिसाब से आप जो है ना अपने बच्चों का नामकरण कर सकते हैं, नक्षत्रों के हिसाब से जो है ना ये कर सकते हैं। तो आप जो है उसमें भी जिन बच्चों का जन्म केतु के नक्षत्र में, जैसे कि मूल नक्षत्र में, अश्विनी नक्षत्र में, अश्लेषा में, मघा में, ज्येष्ठा में या रेपती में हो जाता है, जिनको सतैसा में कहते हैं, हम लोग यहाँ कहते हैं सतैसा में बच्चा, तो उनका जो है ना शनि की शांति करवानी चाहिए, फिर नामकरण करनी चाहिए। नामकरण कब करना है इस पर भी विशेष आपको ध्यान देना है। और फिर आपके नाम का अर्थ क्या रहा है, नामकरण करने में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके नाम का अर्थ क्या आ रहा है। अर्थ कोई इसका निगेटिव तो नहीं है, कोई नकारात्मक चीज तो नहीं है। अब मान लीजिए आपने किसी का कुछ ऐसा नाम रख दिया जिसका अर्थ बहुत नकारात्मक हो, तो वैसा नाम नहीं रखा जाता है। हमेशा होप, जैसे कि मेरा नाम आलोक है, आलोक का मतलब प्रकाश होता है, तो एक होप है, एक प्रकाश है, एक रोशनी की बात हो रही है, रोशनी मतलब सत्यता की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं इस तरह से नामकरण किया जाए तो आप माता पिता अगर इस तरह से अपने बच्चों का नामकरण करें तो बच्चे उनके परफेक्ट रिजल्ट देंगे जो उनके भाग्य में लिखा है। कभी कभी अगर सही नाम नहीं रखने से भी बच्चों का भाग्य खराब हो जाता है, इसलिए नामकरण पे विशेष ध्यान दें और ज्योतिष परामर्श का जरूर सलाह लें।